नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेदांता लिमिटेड के बारे में मैंने कल भी बताया था और वीडियो अपलोड करके बताया था कि वेदांता के लिए अच्छी खबर है, बट उसमें मैंने टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि टेक्निकल चार्ट को भी नहीं भूलना चाहिए, कि खबर के साथ साथ टेक्निकल चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है, तो वहाँ पे खबर तो लगती है, लेकिन जिस प्रकार टेक्निकल चार्ट है, जो ब्रेकआउट मिलता रहता है, उसी प्रकार उसमें खबर भी काम करती रहती है। तो बात करते हैं इसके डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड तो इसका अब यहाँ पे तोड़ चुका है, यानी डाउन ट्रेंड तो ख़त्म हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ पे पिछली वीडियो में बताया था गुड न्यूज़ इसके हाथ लगी है, इसको जो कर्नाटक के अंदर जो प्लांट जो इसका जो चल रहा था और इसका जो प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे क्लीन चिट मिली है, तो अच्छा इसकी खबर है। तो आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है, जो मैंने अपडेट आपको दे दिया था, गैप ओपनिंग हो सकती है और ज़ोरदार उछल आ सकता है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अभी डाउन ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करेगा वो, तो इसको यहाँ पर तोड़ चुका है, यानी कि डाउन ट्रेंड कैसे टूटा वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसका ये हाई था, हाई के बाद में इसने ये लो लगाया, ठीक है, फिर ये हाई लगाया, फिर इसने एक नया लो लगाया, यानी कि लो के नीचे लो, फिर ये हाई लगाया, फिर इसने एक नया ये लो लगाया, यानी लो के नीचे फिर लो लगा रहा थी, यहाँ पे देख ली, लो के नीचे लो लगाया इसने, लो के नीचे लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लो के नीचे लो लगा रहा है, लो के बराबर लगा रहा है, तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हाई से लो आया, लेकिन दोबारा जब हाई गया, दोबारा हाई गया, लेकिन हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, फिर नीचे आके हाई गया, तो फिर इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आके अब हाई गया है, अब हाई गया यहाँ, अब इतना हाई गया, यानी इस हाई ने इस हाई को ब्रेक कर चुका है, यानी कि अपना जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो तो इसमें अब टूट चुका है, वो तो टूट चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा संकेत यह मिला कि डाउन ट्रेंड तो इसका टूट चुका है, ठीक है। बात करते हैं इसमें अब जिस प्रकार मैंने इसमें जिक्र किया था कि इसमें यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए, और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, पिछली बार भी इसमें गुड न्यूज आई थी 195 से, और मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 205 तक ये जा सकता है, 205 से ही वापस ये लौट चुका था, 207 से ही, ठीक है, और उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि 214 का इसमें एक जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं भूलना चाहिए, 214 पे इसमें यहाँ पे देख लीजिए, वो ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ही शेयर में ऊपर उछाल देखने को मिल सकता है, तो ये 214 का रेजिस्टेंस ये टूटेगा ना, उसके बाद में यहाँ पे आज भी देख लीजिए, इसमें 213.30 ही जा पाया शेयर, और 214 के ऊपर टिक भी नहीं पाया, 214 गया भी नहीं, और 214 जाता तो इसमें टिकना ज़रूरी था, ठीक है, यदि टिक नहीं पाया 214 के ऊपर, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ पूरी पूरी, यहाँ पे देख लीजिए, ये 214 के ऊपर इसको टिकना ज़रूरी है, और 213 से इसमें सेलिंग प्रेशर आया, और 213 से 205 पे शेयर अभी टिका हुआ है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे एक देख लीजिए रेड कैंडल के साथ शेयर में गिरावट के साथ बंद हुआ है, यानी प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो टेक्निकल चार्ट की मैं बात कर रहा था, गुड न्यूज़ मैंने आपको इसमें दे दी थी, क्योंकि गुड न्यूज़ इसमें लगी है और गुड न्यूज़ की वजह से शेयर में उछाल आया है, लेकिन टेक्निकल चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो डाउन ट्रेंड यहाँ के शेयर यहाँ क्लोजिंग दी है, लेकिन डाउन ट्रेंड में एक बार कह दूँ यहाँ पर डाउन ट्रेंड तो टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से शेयर का जो सिलसिला है टेक्निकल चार्ट के बेस पर वही बताऊँगा मैं, 214 को ब्रेक करने के बाद में शेयर में एक अच्छा उछाल आने की संभावना है, 214 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इसमें एक अच्छा उछाल आने का अनुमान है, और कल भी इसमें गैप ओपनिंग हो सकती है, और वो वापस 211 के समथिंग इसमें गैप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर में न्यूज लगी है, तो वापस दोबारा गैप ओपनिंग दिखा सकता है यहाँ से, और जैसे 214 ये ब्रेक कर जाएगा ना, उसके बाद में अगर टिक जाएगा तो आपको ये कल कल में आपको 220 के लेवल भी आपको दिखा सकता है वेदांता। तो दोस्तों, वेदांता में न्यूज़ के साथ साथ आप टेक्निकल चार्ट को भी मत भूलिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आज इसमें मैं बात करूं, इसमें जो कैंडल आ रही है, इसमें जो कैंडल आ रही है वो तो रेड कलर की कैंडल है, लेकिन मैं वॉल्यूम की मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है वो ज़बरदस्त, इसमें वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम में देख लीजिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है एक, और ज़बरदस्त कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि लोगों ने खरीदारी ज़्यादा की यहाँ पे, ये देख लीजिए वॉल्यूम जो आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम था यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम के बेस पर कह सकता हूँ कल भी इसमें उछाल आने का अनुमान है, और ये कल 211 के समथिंग भी इसकी गैप ओपनिंग हो सकती है, कल ये 214 को ब्रेक कर जाएगा ना, 214 को, तो आपको कल ये 220 के लेवल भी वेदांता दिखा सकता है, क्योंकि वेदांता में भी खबर चली रही है और गुड न्यूज लगी हाथ लगी चुकी है, तो यानी कि इसमें उछाल ये देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मूविंग एवरेज की मैं बात करूँ तो इसने झटाक से मूविंग एवरेज ऊपर कर लिया है,
और ये देख लीजिए मूविंग एवरेज भी ऊपर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और, मुझे एक और पैटर्न यहाँ पे हाथ लगा है वेदांता में, तो वेदांता का जो पैटर्न मेरा हाथ लगा है उसको मैं यहाँ पे अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो वो पैटर्न जो मेरे हाथ लगा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। शायद इसका मैंने जिक्र कल भी किया था कि वेदांता में ये जो ये पैटर्न जो काम कर रहा है, इस पैटर्न में मैंने आपको कई बार 100% प्रॉफिट करवाया है, और यानी कि 100% प्रॉफिट भी इसमें मैंने करवाया है, ठीक है। इस पैटर्न के दम पर ये जो रेड कलर की कैंडल है, इस रेड कलर की कैंडल को, इस ग्रीन कलर की कैंडल बखूबी इसको ढक ढक चुका है। और इसकी जो छोटी सी बॉडी है, इस छोटी सी बॉडी के अंदर भी इसकी जो बड़ी बॉडी है, ठीक है, इस बड़ी बॉडी ने इसको ढक लिया है। तो बात यहाँ पे आती है यानी कि इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट तो आपको मिल ही चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट के ऊपर शेयर चल रहा है, यानी कि इसमें अच्छा उछाल यहाँ, उछाल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कल भी बताया था सही इस वीडियो में कि 198.10 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए, ठीक है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है यहाँ से, तो 198.10 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ से अब रखना है आपको। और शेयर में अब यहाँ पे करंट से यानी कि इसको तोड़ने के बाद में बाई का मिल चुका है, यानी कि यहाँ से कल आप भी इसको बाई कर सकते हो। अगर आपको ये 203 भी दिखाई दे, 200 भी दिखाई दे, तब भी आप इसमें बाई कर सकते हो, लेकिन 198.10 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप बाई कर सकते हो। और आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे यहाँ से, यानी 214 को ब्रेकआउट करने के बाद में 220, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ टारगेट, ये कहाँ कहाँ कितना कितना टारगेट दे सकता है। और इस कैंडल के दमखम यानी कि इसी पैटर्न के दमखम पर ये शेयर में वो उछाल देखने को मिलेगा। और इसने अब एक डब्लू बना लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ, इसने एक डब्लू बना लिया है। तो डब्लू के अंदर पैसा, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि डब्लू के अंदर खजाना छुपा, यहाँ पे देख लीजिए डब्लू, ये डब्लू यहाँ पे देख लीजिए, ये डब्लू बना हुआ है, यानी कि यहाँ से ये टूटा शेयर और ये डब्लू यहाँ पे पूरा इसने बना लिया, ये डब्लू बना लिया है, ठीक है, ये डब्लू इसने बना लिया है। तो अब इस डब्लू का, इन इस डब्लू का हाई यानी इसका हाई बिल्कुल बराबर से लग रहा है यहाँ पे, यानी कि 213.30 है, और ये 214 है, ये 214 है, यानी कि मैं बात वही कर रहा हूँ कि 214 पे आके मामला अटक जाता है, कि 214 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे 214 ब्रेक हो जाता है, ये डब्लू का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से डब्लू का यानी कि अभी एक नई कैंडल कल एक डब्लू का ब्रेकआउट कर देती है और डब्लू को पार कर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ये स्तर पार करना होगा, लेकिन डब्लू के ब्रेकआउट से आपको 220 रुपये और 225 रुपये, तो ये आपको ये झटके से दिखा सकता है, क्योंकि डब्ल्यू का ब्रेकआउट होने के बाद में शेयर में तेज उछाल आने का अनुमान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए 228 के 28 का ब्रेकआउट है, 228.50 का ब्रेकआउट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ डब्ल्यू का ब्रेकआउट होने के बाद में आपको यहाँ से डब्ल्यू का ब्रेकआउट होने के बाद में आपको 225 तो ये झटके से दिखा सकता है 225 का, उसके बाद में 228.50 पर टिकने के बाद में आपको ये 250 रुपये का लेवल्स भी ये वेदांता यहाँ से दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ओके दोस्तों, वेदांता के बारे में सारा मैं टेक्निकल चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम पेयर और RSI इंडिकेटर और इसका जो न्यूज वो सारा आपके सामने इसको निचोड़ रख दिया है, यानी कि मैं कहूँ यहाँ पे शेयर अब बुलिश ही है, ठीक है, बुलिश ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यू का ब्रेकआउट होना जरूरी है, लेकिन शेयर अभी बुलिश है और यहाँ पे आप करंट से यहाँ पे बाई लगा सकते हो। और लेकिन 198.10 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। और लास्ट में सलाह ये रहेगी दोस्तों, आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले, क्योंकि डिसीजन आपका रहेगा और पैसा आपका, दोस्तों रिस्क भी आपका ही बनता है, लेकिन आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके इसमें अपनी एक बार एनालिसिस करके और इसमें अपना दमखम अपना इसमें आप पोजीशन इसमें बना सकते हो। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए भी। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।